हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जो अभी खबर मैंने आपको बताई थी, अलका लांबा जिनके साथ बदतमीजी हुई है मजनू कटीला इलाके में, हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई। जरा जल्दी से बात करते हैं, हमारे साथ अलका लांबा इस वक्त मौजूद हैं। अलका जी, हुआ क्या, जरा आप ही बताइए दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस एसएचओ जो है पालीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये आदमी जो है प्रहलाद सिंह सावनी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, 15 में हारे थे, तीसरे नंबर पे जमानत पे रहे थे लेकिन केजरीवाल के उम्मीदवार हो गए थे। इनके बेटे आप देख रहे हैं इस क्लिपिंग में, सरदार जी सैफी हैं और इनके साथ एक रमेश लड़का चंद्रावल का है। उसमें मैं अपना उम्मीदवार हूँ, पोलिंग एजेंट को मिली, अपने पोलिंग बूथ पे देखा, सब शांतिपूर्वक तरीके से ढंग से चल रहा है, लोगों को परेशानी नहीं आ रही, पुलिस और चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जैसे ही बाहर आई, इन लोगों ने बौखलाते हुए बहुत गंदी एक गाली जो मैं बता नहीं सकती हूँ, इस रमेश लड़के ने दी, जिसको उकसाने का काम प्रहलाद सिंह सावनी का बेटा खुद वहां बाहर खड़ा हुआ पुलिस से उलझ रहा था और कर रहा था। मुझे खुशी है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि पुलिस की उपस्थिति में एक गंदी गाली और अभद्रता की गई। ये केजरीवाल को मैं कहना चाहूंगी, चुनाव हार रहे हैं आप चांदनी चौक विधानसभा दिल्ली में, इसलिए बौखलाहट में हर तौर तरीका अपनाने की छूट इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अब दे रखी है, है ना। तो अब इसमें अभद्रता हो महिलाओं के प्रति, मैं महिला उम्मीदवार हूँ, अकेली उम्मीदवार चांदनी चौक पे महिला उम्मीदवार, आजादी की लड़ाई हम मान और सम्मान की लड़ रहे हैं, लेकिन इतनी गंदी गाली मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, पर मुझे खुशी है पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके उसे अरेस्ट कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपना पक्ष रखने के लिए। अलका लांबा को आप सुन रहे थे, धन्यवाद दे रही थी दिल्ली पुलिस का कि उसको फौरन हिरासत में ले लिया। बेहद अभद्र और अपशब्द गाली जो दी उस शख्स ने अलका लांबा को, ये आरोप अलका लांबा की तरफ से लगाया गया। और अलका लांबा कह रही है कि जो उम्मीदवार है उनके सामने कांग्रेस पार्टी के प्रहलाद सिंह सहानी, ये पीली पगड़ी में जो सरदार जी नजर आ रहे हैं, अलका लांबा का यह कहना है कि ये प्रहलाद सिंह सहानी के ही बेटे हैं और इन्हीं की शह पर इस शख्स ने उनको गाली दी। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।